इनोवेटिव बांदा के पहले चरण पे मैं अमरेश कुमार सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बांदा बांदा उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपदों में से एक है। यहाँ अन्नप्रथा, पेयजल, सिंचाई, कुपोषण, औद्योगिकरण एवं रोजगार जैसी प्रमुख समस्याएं व्याप्त है। इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन की जिला स्तरीय इकाई जिला विज्ञान क्लब बांदा ने उस वक्त के जिलाधिकारी हीरा लाल की प्रेरणा, दिशा निर्देशन एवं अध्यक्षता में नवाचार एवं स्टार्टअप के माध्यम से जनपद की ज्वलंत समस्याओं पर विचार मंथन कर स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने की तकनीकी व आविष्कारों से अवगत कराते हुए दैनिक जीवन की गतिविधियों को सरल एवं सहज बनाने का प्रयास किया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिला विज्ञान क्लब बांदा द्वारा 3 दिवसीय इनोवेशन एवं स्टार्टअप समिट 2019 का आयोजन बांदा के राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में 28, 29 व 30 जनवरी 2019 को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। इस 3 दिवसीय इनोवेशन एवं स्टार्टअप समिट 2019 का मुख्य विषय था सतत विकास के लिए नवाचार व स्टार्टअप, और जिन उप विषयों पर बात की गई थी, चर्चा की गई थी और जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया था वो इस प्रकार थे: ग्रामीण व शहरी विकास, कृषि से कृषि व्यवसाय की ओर, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, शैक्षिक प्रतिक्रिया एवं शैक्षिक वातावरण, सामाजिक विकास हेतु प्रौद्योगिकी, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, पारंपरिक, सामाजिक, स्थानीय एवं सांस्कृतिक विकास एवं परिवर्तन। इस समिट के 2 प्रमुख अंग थे। पहला अंग था ब्रीफिंग सेशन एवं उद्घाटन सत्र, और दूसरा प्रमुख अंग था निर्धारित उप विषयों पर विभिन्न समस्याओं एवं उनके समाधान पाते हेतु 28 विचार विमर्श पत्र। इस 3 दिवसीय समिट में तकनीकी सत्र पर विशेष ध्यान रखा गया था, और जिन सत्रों पर खुलकर बात की गई थी वो इस तरीके से है: नवप्रतोकों द्वारा इनोवेशन एवं स्टार्टअप एक्सपो, सरकारी विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं एवं इनोवेटिव कार्यों पर एक्सपो, गैर सरकारी इंडस्ट्रियल एक्सपो, सभी के लिए एक्सपोजर विजिट, स्थानीय विधाओं कलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु इनोरंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, टेक अवे सम्मान एवं सम्मान पत्र। जो प्रमुख समितियां इस 3 दिवसीय इनोवेशन समिट में शामिल हुई थी वो इस प्रकार है: प्रशासनिक समिति, प्रबंध समिति, विषय विशेषज्ञ समिति। 28 जनवरी 2019 को बांदा की धरती में इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट 2019 के आयोजन का वैज्ञानिक एवं परंपरागत दशमों के साथ भव्य एवं बृहद रूप से शुभारंभ हुआ था। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर कृपा शंकर सिंह शरीक हुए थे। श्री सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि समिति का आयोजन जनसाधारण की समस्याओं का हल निकालने में व देश की जनपद को एक विशेष पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस कड़ी में जिलाधिकारी एवं कार्यक्रम के प्रमुख प्रेरक श्री हीरा लाल ने कहा कि समिति का मकसद इस पिछड़े क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप के माध्यम से यहाँ की समस्याओं का सरल, सहज एवं कम लागत वाले सतत विकास में सहयोगी उपाय खोजना है। युवाओं के लिए यह ज्ञान का कुंभ था। युवाओं ने इसमें चिंतन मनन के साथ नवाचारों को करीब से देखा। समिट में देश के विभिन्न स्थानों से 135 चयनित नव प्रवर्तक एवं 80 सरकारी गैर सरकारी विभागों कंपनियों द्वारा एक्सपो में स्टॉल लगाए गए थे। समिट में चित्रकूट धाम मंडल के मंडलायुक्त, समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस अध्यक्षों के साथ साथ विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न आईएएस, विभिन्न स्थानों से आए वैज्ञानिक, उद्योगपतियों, बैंकर्स, स्पीकर्स, एकेडमिशियन एवं अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे। 30 जनवरी 2019 को समापन के अवसर पर भारत के पद्मश्री श्री राम शरण वर्मा उपस्थित रहे, जिनको बनाना इंडिया के नाम से जाना जाता है। श्री राम शरण वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि खेती मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती के लिए की जानी चाहिए। उन्होंने जनपद के किसानों को निःशुल्क परीक्षण देने के लिए भी अपने यहाँ आमंत्रित किया।